वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। एपिसोड 17 की शुरुआत में रोंग्यू अपने रूम में चले जाते हैं। जूलिंग भी उनके पीछे ही आती है। रोंग्यू बोलते हैं, अभी सब ठीक है, तुम यहाँ से जाओ। पर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जूलिंग और रोंग्यू एक साथ सोए हुए होते हैं और बाहर से जूलिंग की न्यू गर्ल जूलिंग को बुलाने आती है। पर जूलिंग तो नहीं उठती, पर रोंग्यू उठ जाता है और वे जूलिंग और अपने कपड़े को देखने के बाद वे गेट की तरफ जाता है और पूछता है क्या हुआ। तब वे लड़की बोलती है मिस जूलिंग को से मिस टैन मिलने आई हैं। रोंग्यू कहता है वे अभी तो सो रही है, थोड़ा वेट करने के लिए बोलो उनको। वे लड़की कहती है ठीक है मास्टर। फिर रोंग्यू जूलिंग को उठाता है। जूलिंग उठते ही रोंग्यू के सिर पर किस कर लेती है और कहती है गुड मॉर्निंग। फिर उसके बाद वे दोनों शाई फील करने लगते हैं। फिर जूलिंग बोलती है कल रात के ये सॉरी, जो भी कुछ हुआ सारी गलती मेरी है, तो प्लीज़ आगे इस बात के लिए मुझे माफ़ कर देना और इस बारे में हम लोग प्लीज़ बात नहीं करेंगे। पर जूलिंग बहुत अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। फिर रोंग्यू बोलता है तुमसे मिलने टैन आई है। टैन लेटर लाई होती है जूलिंग के लिए और वे लेटर राजा की तरफ से आया होता है। नेक्स्ट स्क्रीन में जूलिंग किसी जगह पर जाती है और इधर रोंग्यू थोड़ा परेशान है कि जूलिंग इतनी जल्दी सुबह कहाँ चली गई। जूलिंग किसी आदमी से बात कर रही होती है। जूलिंग रोंग्यू को लेने आई होती है। जूलिंग कहती है तुम मुझे देखकर सरप्राइज हो गए ना। फिर जूलिंग रोंग्यू को काइट देती है। जब रोंग्यू जूलिंग का हाथ टच करता है तब उसे कुछ दिखाई देता है जिसमें उसके ऊपर लकड़ी का बोट गिरने वाला होता है। उसी समय रोंग्यू जूलिंग को बचा लेता है। उसके बाद जूलिंग पूछती है तुम ठीक हो ना। नेक्स्ट स्क्रीन में सब अपने घर आ जाते हैं। फिर उसके बाद लॉर्ड रोंग जूलिंग से कहते हैं तुम आज फिर से रोंग्यू को बाहर ले गई थी, तुमको नहीं पता है कि बाहर का हालात कैसा है, अभी तुमने फिर से यहाँ का रूल तोड़ा है तो तुम्हें सजा दोबारा जरूर मिलेगी और लगता है तुमने अपना लेसन भी अभी तक नहीं सीखा है। तब जूलिंग कहती है मैं रोंग्यू के साथ ही थी, मैं इससे कुछ नहीं होने दूंगी। तभी रोंग्यू कहता है अंकल एस्ट्रोप्लिज्म में कुछ हुआ है। अंकल पूछते हैं क्या हुआ है। जंपिंग बताता है एस्ट्रोलॉजी प्लीजिंग का बोर्ड अपने आप गिर गया। नेक्स्ट स्क्रीन में जूलिंग और रोंग्यू हंटिंग ग्राउंड पर पहुंचते हैं। ये दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, अपने टाइम ही इंजॉय कर रहे होते हैं और उधर फाइट हो रहा होता है। उस फाइट में लॉर्ड जोंगयोंग जीत जाते हैं। तभी उसके लिए क्लैप कर रहे होते हैं सभी, पर लॉर्ड जोंगयोंग का ध्यान तो जूलिंग पर ही होता है। पर जूलिंग तो रोंग्यू से बात कर रही होती है। पर जब रोंग्यू और जूलिंग वहाँ से जा रहे होते हैं तब सबको लगता है रोंग्यू लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। पर जूलिंग जल्द ही इस बात को क्लियर कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब सभी बोलते हैं हाँ रोंग्यू कैसे फाइट कर सकता है। तभी जूलिंग कहती है मैं तुमसे फाइट करूँगी। जूलिंग फाइट के लिए करने के लिए उतरती है मैदान पर और जूलिंग जब फाइट स्टार्ट करती है तो क्या जबरदस्त फाइट करती है दोस्तों, ये देख के मज़ा आ जाता है। उसके बाद जूलिंग एक पर एक सबको पटक पटक कर ग्राउंड से बाहर कर देती है। फिर जूलिंग बोलती है और कोई है जो मुझसे फाइट करना चाहता है, हाँ तो बोलो। फिर जूलिंग इंग को एक लड़के को बुलाती है जो रोंग्यू का मजाक बना रहा था। फिर वे लड़का माफ़ी मांगने लगता है जो भी उसने किया उसके लिए। उसके बाद जनरल यान आते हैं जूलिंग से फाइट करने के लिए, जो जूलिंग के फैमिली को पकड़ कर लेके जा रहे होते थे। फिर जूलिंग उनका हार हरा देती है, उनको भी बुरी तरह से,
और ये सब देखने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर जनरल यान कैसे हार गए जूलिंग से वे भी।